देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का मीन होता है वो समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब कि ट्रिग्नो मतलब क्या होता है? थ्री मतलब कि थ्री, थ्री मतलब होता है तीन, है ना। और मेट्री, मेट्री का मतलब होता है नापना, मीजर करना, ठीक है। तो तीन चीजों को नापना मतलब तीन एंगल को नापना या तीन साइड को नापना, वो क्या होता है बच्चों, है ना, क्या होता है? त्रिकोणमिति होती है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये मीजर का मतलब होता है ट्रिग्नो मतलब मेट्री, मेट्री मतलब मीजर करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब हुआ तीन चीजों को नापना, मतलब तीन एंगल को नापना या फिर तीन साइड को नापना, वो क्या होता है बच्चों हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में बेसिक में, वो सबसे पहले जो ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। ऑनली राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है, सब ट्राइंगल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक है तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले तो बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि यहां पर यूज होगी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जो यहां पे है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन साइड हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए हाइपोटेनस कहाँ पे होती है। तो हम बात करें हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने पाई जाती है। अगर हम 90 डिग्री को बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो उसके सामने जो साइड दिख रही है वो कौन सी साइड कहलाएगी? वो कहलाएगी हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहां पर ये भी हो सकती है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, लेकिन हाइपोटेनस अपनी जगह पे रहता है। हाइपोटेनस कहाँ होता है? 90 के सामने। कभी मान लो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन के आ गया, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बन के आ गया मान लो बाई चांस, तो यहाँ पे राइट एंगल है तो सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? बीसी। अगर मान लो नहीं आ रहा समझ में, तो उस चीज को, उस एंगल को बंद कर दो। एंगल को बंद करने के बाद जो तुमको साइड दिख रही है बच्चों वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। जैसे 90 डिग्री को यहाँ बंद कर दें हम लोग यहाँ पे, तो साइड कौन सी दिख रही है हम लोग को? ए सी दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। तो मेरा कहने का मतलब है जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट जो होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड होते हैं वो कहाँ पर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस अभी बताएंगे कहाँ पे परपेंडिकुलर कब लेना है, ये लेना कब, कब ये लेना है, तो बताएंगे अभी हम। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे रेशियो। अब कुछ रेशियो यहाँ पे पढ़ेंगे। रेशियो को कभी कभी हम लोग आगे चल के फंक्शन भी बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अभी लेकिन तुम लोग क्या पढ़ोगे? रेशियो ही पढ़ोगे, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का जैसे हम लोग सिंपल मीनिंग में क्या कहते हैं, रेशियो का मतलब है कि अपॉन में, जैसे कि है ना कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा है, मतलब साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है या बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है, ये सभी क्या है? रेशियो हैं। तो इन रेशियो को समझने के लिए कुछ रेशियो बना दिए गए हैं, मतलब इसे इन्हीं रेशियो के कुछ नाम दे दिए गए हैं, इन सब रेशियो के कुछ ना कुछ क्या दे दिए गए? नाम। तो रेशियो बनेंगे कितने? साइड कितनी है? तीन। तो रेशियो बनेंगे छः। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें सिंपल सा, एक रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मान लो, एक बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक इसी का उल्टा बनेगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एक इसका उल्टा बनेगा और एक इसका उल्टा बनेगा। तो कितने रेशियो बन रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे छह रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो इन छह रेशियो के नाम दिए गए। पहला जो रेशियो आता है वो आता है एस आई एन ई, शॉर्टकट में इसको एस आई एन लिखते हैं लेकिन यहाँ फुल फॉर्म लिखा है एस आई एन। फिर दूसरा बच्चों है कोजाइन, सी ओ एस आई एन ई।
फिर होता है साइन कोजाइन, फिर होता है टेंजेंट, फिर कॉटेंट, साइन कॉस टेन कॉट, फिर होता है सेकेंड और फिर होता है कॉस्केंट, लास्ट में होता है ये लास्ट वाला लिखा है यहां पे कॉस्केंट। ये होते हैं छह रेशियो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। अगर तुम इसको लाइन से याद रखोगे तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा बच्चों, याद करने को तुम लोग आगे पीछे भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर लाइन से याद रखोगे तुम्हारा कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉफिट मिलेगा उसका। तो लाइन से याद करने तरीका साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, इसको ये फुल फॉर्म मैंने लिखे, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, एस आई एन का शॉर्ट फॉर्म एस आई एन होता है, कॉसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉस होता है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है टेन होता है, कॉटेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉट होता है, और सेकेंड का होता है सेक, और कॉसेकेंड का होता है कॉसेक होता है शॉर्ट फॉर्म, राइट है ओके। तो ये शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये इसका ये पूरा मीन नहीं होता है, जब ये साइन लिखा तो सिर्फ साइन नहीं होता है, साथ में कुछ एंगल भी होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे एंगल कुछ होना चाहिए। अब हम लोग एंगल भी जान लेते हैं भाई, कौन कौन से एंगल हम लोग यहाँ पे नए नए पढ़ेंगे, देख लो बच्चों कुछ एंगल आएंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए होंगे। सबसे पहले जो आएगा बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, तो ऐसे बनता है थीटा, ये क्या होता है थीटा, ये इस प्रकार से बनता है, मतलब ये बना के ये इस प्रकार से ये बनता है थीटा, ये यूज होगा। फिर दूसरा होता है फाई, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है फाई। एक होता है अल्फा, अल्फा ये होता है, लेकिन बुकों में जो बना होता है बुकों में अल्फा जो बना हुआ वो कुछ इस टाइप से बना हुआ, ए टाइप है बच्चों, इसको बोलते हैं अल्फा। फिर एक बीटा, बी टाइप बना हुआ बीटा, गामा वाई टाइप बना था लेकिन ऐसे लिखा था, ठीक है अल्फा बीटा गामा ये यूज होंगे बच्चों। और फाई हो गया, एक होता है साई, है ना, बहुत सारे ऐसे एंगल पाए जाते हैं, लेकिन जो हम लोग में ज़्यादा यूज होंगे वो थीटा अल्फा और फाई ही यूज़ होते हैं बच्चों, होने के तो बहुत सारे एंगल हैं। तो जब हम इन एंगलों को लगाएंगे तब ये कंप्लीट होंगे, जैसे हमने लगा दिया यहाँ पे थीटा, तो इस साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा एस आई एन ई, यहाँ पे लगाया थीटा तो कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉस सेक थीटा, कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, मान लो फाई है तो साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कोई भी एंगल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हम लोग के छह रेशियो, इनके फुल फॉर्म भी आने चाहिए और शॉर्ट फॉर्म तो मालूम होने ही चाहिए बच्चों, ओके फुल फॉर्म, क्योंकि हम लोग के लिए कहीं ना कहीं अगर आगे चल के पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें कभी कभी फुल फॉर्म लिख के देता है वो, टेंजेंट लिख के जाएगा, लिख के दिया जाएगा, तो टेंजेंट हमें समझना पड़ेगा क्या दिया गया है यहाँ पे, है ना, कॉटेंट लिख के दे दिया तो वो समझना पड़ेगा क्या दे रखा है हम लोग को, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो इधर नोट को प्लीज। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि जो रेशियो होते हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, जो रेशियो हैं उनके क्या रेशियो होते हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो मैंने क्या लिखवाया था साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो रेशियो माना गया है वो माना गया है पी अपॉन एच, पी का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर को पी लिखा है और एच का मतलब हाइपोटेनस को एच लिखा है। दूसरा जो रेशियो था वो क्या था कॉस थीटा, इसका बच्चों रेशियो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा बच्चों होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। फिर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है बी अपॉन पी होता है। फिर सेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन बी होता है। और फिर लास्ट में क्या आता है बच्चों कॉसेक थीटा, वो होता है एच अपॉन पी। तो हमने फॉर्मूले कुछ इस ढंग से लिखे कि तुम लोग को समझ में आए कि यहाँ पर क्या लिखा है पी अपॉन एच, तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एच अपॉन पी, तो समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं ये इसका रेसिप्रोकल हो रहा है बच्चों। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि अगर मैं कहूं कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है वो होता है वन अपॉन क्या कॉसेक थीटा, ओके। अब उसी प्रकार से बी अपॉन एच है, ये क्या है एच अपॉन बी, तो sec थीटा को कभी भी अगर अपोजिट लिखना हो रेसिप्रोकल करना हो तो वन अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वो वन अपॉन sec थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वन अपॉन क्या cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन tan थीटा। तो ये भी यूज होंगे बच्चों कहीं ना कहीं आगे चल के। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक का रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन होता है,
साइन का वन अपॉन कॉस, इसी प्रकार सेक का और टेन का और कॉट और कॉस का बच्चों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जान लेते हैं, हमने बात की थी कि परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे। हाइपोटेनस तो मैंने बता दिया था पहचानना बच्चों, कि किस प्रकार से हाइपोटेनस को पहचानेंगे, वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको क्लोज कर दिया करो, तो जो साइड तुम्हें दिखेगी वो तुम्हें क्या दिखेगी, हाइपोटेनस दिखेगी। मान लेते हैं कि बाय चांस ए पर जो एंगल है वो बन रहा है थीटा, ए पर एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ पर। तो अब थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा को अगर हम देखें यहां से, तो थीटा के सामने जो साइड पड़ रही है, थीटा के सामने जो साइड पड़ रही है, उस साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ध्यान देना बच्चों कि थीटा के सामने जो साइड पड़ रही है वो कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर पड़ेगी बच्चों। यहां पे हमेशा ध्यान देना, थीटा जहां मान लीजिए थीटा यहां भी बन रहा है, तो थीटा के सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। मान ले कि अगर एंगल ए पर ना बनकर सी पर बन रहा है, तो सी के सामने जो साइड पड़ेगी वो परपेंडिकुलर होगी, फिर ये बेस होगी और ये क्या होगी, हाइपोटेनस। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि अगर भैया एंगल यहां पे बन जाए, एंगल यहां पर नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड एंगल है, ये हमें पता हुआ एंगल है कि ये एंगल 90 है। ये एंगल हम लोग को नहीं पता होते हैं, तो यहां पे ये तो एंगल यहां पर आएगा या तो फिर एंगल यहां पर आएगा, ओके। तो यहां पर कभी भी एंगल नहीं दिया जाएगा बच्चों, ओके। जहां पे राइट एंगल है वो पहले से हम लोग को पता है कि एंगल 90 है, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, जो एंगल नहीं पता है उसको हम लोग यहां पे थीटा या कोई अल्फा या बीटा कुछ भी एंगल यहां पे मान सकते हैं। तो फिर समझ लेना बच्चों कि जो एंगल के सामने, मान लो हमने लिख दिया साइन ए, तो ए का भी मतलब है कि एंगल से है, तो ए का मतलब है कि इसके सामने जो साइड है, ए को बंद करके जो साइड तुम्हें दिख रही है बच्चों, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो एक 90 है वो हाइपोटेनस, और जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, बेस। अगर मान लो मैंने कह दिया साइन सी, तो सी का मतलब है कि यहां से देखोगे तो सी को बंद कर दोगे, तो ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब उसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है बच्चों, है ना। हाइपोटेनस 90 सन में होता है, और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इसको समझना जरूरी है कि न्यूमेरिकल में यूज होता है, कभी कभी वो साइन ए पूछेगा, कभी साइन सी पूछेगा, अलग अलग एंगलों से उसकी वैल्यू पूछता है यहां पर, ओके। तो ये चीज जान लो बच्चों। अब कुछ इसके फैक्ट हैं वो भी जान लो बच्चों, ये फैक्ट जानना जरूरी है, आगे काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट पूछो, देखो पहला फैक्ट है कि साइन थीटा को साइन इनटू थीटा नहीं ले सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो साइन थीटा चीज है वो पूरा एक ही फॉर्म है। ये बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो साइन, मान लो ऐसे लिखा है टू साइन थीटा लिखा है, तो कभी कभी बच्चे साइन टू थीटा लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये अलग चीज होती है, ये अलग चीज होगी बच्चों यहाँ पे, ओके। तो साइन और थीटा दो डिफरेंट चीजें नहीं है, जो साइन थीटा है वो पूरा पूरा एक ही चीज है बच्चों, ये कोई डबल चीज नहीं है बच्चों, पूरी एक ही चीज यहाँ पे है। तो ध्यान देना, साइन थीटा साइन का फुल फॉर्म होता है बच्चों, SINE जो है वो साइन थीटा है यहाँ पर, तो इन दो को बीच में इंटू नहीं होता है, इनके बीच में कुछ भी नहीं होता, ये पूरी एक चीज है, पूरा एक है बच्चों, तो इनके बीच में कोई भी कुछ चीज नहीं होती, तो इंटू वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, साइन थीटा का मान लीजिए होल स्क्वायर लिखा है, तो होल स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने साइन थीटा स्क्वायर लिख दिया तो ये गलत है, ये थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता कभी भी, एंगल पे हम लोग स्क्वायर नहीं लगाते, जो स्क्वायर आता है वो हमेशा रेशियो पे लगता है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। और थीटा हर बार लिखना पड़ेगा तुमको, है ना, अगर थीटा नहीं लिखोगे तो फिर ये क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि थीटा के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पर थीटा आपको हर बार लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी एंगल होगा, जरूरी नहीं कि थीटा ही हो, थीटा है, अल्फा है, बीटा, जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर जो मतलब होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ओके बच्चों, समझो। आगे नेक्स्ट,
अगर हम तुमसे कहें साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, मतलब सॉरी बच्चों, साइन मान लीजिए लिखा है ए प्लस बी लिखा है, तो साइन ए प्लस बी लिखने का मतलब है कि साइन ए प्लस साइन बी नहीं ले सकते हो, ये इसके इक्वल में नहीं होता है। साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता समझो, क्योंकि मैंने बताया कि साइन थीटा वो पूरी एक चीज है, तो उसी प्रकार से साइन ए प्लस बी पूरा एक चीज है यहाँ पर, तो इसीलिए साइन ए प्लस साइन बी लिखना इसको संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी लिख सके इसको बच्चों। तो ये चीज जो है इसे कभी इक्वल नहीं हो सकती है, साइन ए प्लस बी है साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल कभी नहीं हो सकती है बच्चों। हाँ आगे क्लास में चलेंगे तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो बात अलग है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन ये चीज इसके इक्वल कभी नहीं होगी बच्चों ठीक है। तो मतलब किसी का भी रेशियो का तुम ये नहीं कि दो एंगल लिखे दोनों में इंटू कर दो, वो मैंने कहा ना कि बीच में इंटू नहीं होता, बीच में इंटू होता है क्या, नहीं होता ना, तो फिर कहां से इंटू कर सकते हैं, ये तो तुमने इंटू कर दिया एक बार का बच्चों, तो ये बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, तो इसको इस टाइप से नहीं ले सकते हो बच्चों, राइट है ओके। नेक्स्ट बच्चों फैक्ट नंबर 4, साइन माइनस थीटा लिखा हो ठीक है, कॉस माइनस थीटा लिखा है, टेन माइनस थीटा लिखा है, कॉट में माइनस थीटा लिखा है, sec में लिखा है माइनस थीटा या cosec में लिखा है, तो ध्यान देना बच्चों इन सब में माइनस का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो माइनस है माइनस थीटा है, तो थीटा जो है अगर साइन माइनस है तो माइनस ये बाहर निकाल सकते हो, तो क्या ले सकते हो उसको साइन थीटा, लेकिन अगर कॉस में माइनस लिखा है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस में। अच्छा ऐसा होता क्यों है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 11 में कि इसमें माइनस प्लस का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये बाय द ग्राफिकली मेथड से होता है बच्चों, ग्राफ नॉर्मल होता है कि माइनस का भी रखने पर वो प्लस में आंसर होता है, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो सेक में भी वही होता है, जो सेक में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी में जो माइनस होता है वो कहां जाता है बच्चों, बाहर आ जाते हैं, ये सब बाहर रहते हैं, ये माइनस ये सब बाहर रहते हैं ठीक है। फैक्ट नंबर 5 क्या है बच्चों, फैक्ट नंबर 5 है बच्चों यहाँ पे कि कभी भी अगर साइन थीटा लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ रेशियो मान लीजिए लिखा है उन्होंने 5/3 लिखा है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये रेशियो सही लिखा है कि गलत लिखा है। रेशियो को चेक करने के लिए तरीका होता है जो हाइपोटेन्यूस साइड होनी चाहिए वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे इसका फॉर्मूला मैंने भी लिखवाया रेशियो पी अपॉन एच, तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी है 3 है, पी की वैल्यू देखा जाए तो 5 है, तो यहाँ एच क्या हो गया छोटा हो गया 5 से, तो मतलब ये क्या हो गया ये गलत हो जाएगा बच्चों ठीक है। एच क्या है छोटा है पी से बच्चों, क्योंकि एच जो होती है हाइपोटेन्यूस साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर से होती है बड़ी होती है, तो इसलिए क्या हो गया यहां पे रॉन्ग हो गया बच्चों पे ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको समझना जरूरी है, आगे काम आएंगे बच्चों, सिर्फ इसमें से मेन ये फैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है, स्क्वायर का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां फैक्ट है ओके। अब देखते हैं बच्चों फैक्ट नंबर लास्ट एक और देख लेते हैं बच्चों कि अगर हम लोग साइन थीटा को प्लस साइन थीटा करना है ऐड करना है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin θ, 2 जो लिखा जाएगा ये साइन प्लस साइन कर रहा है तो इंटू करेंगे तो 2 आगे आएगा, और मान लीजिए साइन थीटा का साइन थीटा में इंटू कर रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा या होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का जो मीन होता है वो वही होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस करने पर जो चीजें ऐड होती हैं तो ये आगे लिखी जाएंगी, और इंटू करने पर वो जो कहां लिखा जाएगा वो स्क्वायर में लिखा जाएगा, राइट है बच्चों। यहाँ पे चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पर बच्चों, तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन जो कि आर एस अग्रवाल से है ना, एक्सरसाइज 10 है। पहला क्वेश्चन लिखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, तो मतलब सभी रेशियो निकालने, हम लोग को एक रेशियो यहाँ पे दे रखा, बाकी सभी रेशियो यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो रेशियो होते कितने 6 है, हम लोग को एक दिया गया मतलब 5 फाइंड करने हैं, तो और किसमें थीटा में फाइंड करनी है, समझिए किस प्रकार से करेंगे। जो रेशियो हम लोग को दे रखा है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोग को √3/2 ओके बच्चों। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
बट ये लिखा किस में है, रेशियो में लिखा है, रेशियो में लिखा है। तो अगर हम बात करें रेशियो में, अगर जैसे उन्होंने पढ़ा होगा 2:3 लिखा होता है, तो जब रेशियो हटाते हैं तो हम लोग कोई वेरिएबल वगैरह मानते हैं जो, तो 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो ये वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब रेशियो को हटाएंगे तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, मैंने मान लिया रेशियो क्या k, हाइपोटेनस क्या मान लिया यहाँ पे 2k, मानने को यहाँ पे x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पर क्या है सी है, और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल जो है वो कितना है, थीटा एंगल है। थीटा एंगल आप यहाँ मान सकते हैं और यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर नहीं मान सकते, बताया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 90 डिग्री। अब समझिए थीटा के सामने जो साइड, थीटा के सामने ये साइड क्या कराएगी, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये होगी अंडर रूट 3k, और हाइपोटेनस तो फिक्स होती है 90 के सामने, तो ये क्या होगा 2k। हम लोग को बेस जो है वो नहीं पता यहाँ पर, तो बेस निकालेंगे किसे, बेस निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो यहां लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस। व्हाट इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस क्या है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है AB का स्क्वायर। बात करें AC की तो AC कितना दे रखा है हम लोगों को बच्चों, यहां पर दे रखा है 2k का होल स्क्वायर। BC क्या दे रखा है, अंडर रूट 3k का होल स्क्वायर, और AB की बात करें तो AB हम लोग को फाइंड करना है जो कि बेस है 2 का स्क्वायर, 2 जा 4k स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट जो होता है स्क्वायर से कट हो जाता है, तो कितना बचेगा 3k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे तो 4k स्क्वायर माइनस का 3k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, कितना बचेगा k स्क्वायर बराबर, क्योंकि 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 नहीं लिखा जाता बच्चों, तो k स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा k, है ना, सॉरी बच्चों यहाँ पे k स्क्वायर लिखा था और AB, तो यहाँ k स्क्वायर रूट क्या जाएगा बच्चों k हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लिया जाएगा, बिकॉज ऑफ साइड जो होती है वो हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, तो यहाँ पर कभी भी प्लस मतलब माइनस नहीं लिया जाएगा, हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा बच्चों, क्योंकि ये साइड है बच्चों। तो आप समझिए यहाँ पर कितना आ गया, के आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम बेस की बात करें तो ये कितना है k, और हाइपोटेनस की बात करें तो कितना है 2k। अगर आप लोग भूल जाए तो यहाँ पे छोटा लिख लीजिएगा कि यहाँ बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस, आप लोग को ध्यान रहेगा कि कौन साइड कहाँ पर है। तो ये k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 रेशियो में। फिर tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना है अंडर रूट 3k अपॉन में के, तो कैसे कट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 अपॉन में 1। अच्छा नीचे 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं बच्चों चाहे तो रूट 3 ऑनली लिखेंगे। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन में पी, तो बी कितना है, बी है के, और ये क्या है रूट 3k, कैसे के कटेगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा अंडर रूट 3। ऊपर अगर 1 आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे sec थीटा, sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस क्या है 2k अपॉन में k, नीचे 1 बचा तो नीचे ऊपर क्या जाएगा ओनली 2। फिर क्या हुआ cos sec थीटा, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 2, परपेंडिकुलर क्या है रूट 3, तो 2 अपॉन रूट मतलब 2k आएगा बच्चों यहाँ पे और रूट 3k आएगा, तो k से k कट जाएगा तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। ये हो गए बच्चों सभी टी रेशियो, बच्चों एक हम लोग को दे रखा था, बाकी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिए। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं बच्चों जो फॉर्मूले हैं उनको शॉर्टकट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन में एच
एच बी, जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी है, मतलब साइन कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पे नीचे कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉट है बच्चों, यहाँ सेक, यहाँ पे क्या है कॉस सेक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस फॉर्मूला होता है बी एस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग के सेम है, फाइव तक, और सिक्स भी सेम है। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट टाइप इसे लिखा देखते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल रहे हो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन देखने लगेंगे। 9 है, बहुत गलत लग रही है। 9 नंबर है, देख क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 12/25। हम लोग को ये प्रूव करना है और ये हम लोग को गिवन है। तो किस प्रकार से करेंगे समझिएगा। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3। तो भाई tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, राइट है। 4 को मैंने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया। तो भाई टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो समझिएगा बच्चों, ये बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कोई भी यहाँ पे मतलब ट्रायंगल ले सकते हैं। यहाँ पे मान लिया मैंने एंगल थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3। अब इस बार हम लोग के नहीं मान रहे हैं, मालूम है कि के जाके लास्ट में वो क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस बार मैंने के नहीं माना, सिंपल लिखा है 3। और बेस कितना है बच्चों, बेस 4। तो बेस ये हो गया बच्चों 4, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस होता 90 के सामने बच्चों। ओके, अब हम लोग को हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं पता है, तो फिर से क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एसी को निकालने के लिए। तो देखो बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है हम लोग को पता नहीं, लेकिन नाम क्या है इसका, एसी। परपेंडिकुलर बीसी है, आप लोग बीसी यहां लिख दीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पे कितना बीसी बच्चों बोलिए, 3। और ए बी कितना है, 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 25। और स्क्वायर हटाएंगे यहां पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, और 25 का रूट होता है प्लस माइनस 5, लेकिन लिखा क्या जाएगा बच्चों, ओनली 5, क्योंकि ये साइड है बच्चों। तो आप लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा साइन और कॉस, ये दोनों चीज निकाल लीजिए। तो ये कितना आ गया 5, यहाँ लिख लीजिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 3, हाइपोटेनस जो है वो कितना है 5। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5। अब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे LHS लेंगे। LHS क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ को LHS बोलते हैं लेफ्ट को, और ये राइट हैंड साइड होता है RHS। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS में लिखा क्या है बच्चों, पढ़िए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। बीच में इंटू लगा था, ये डॉट मतलब इंटू, तो हम लोग इंटू लगा देंगे, 3/4 = 12, 5/5 = 25। तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि देखिए RHS में भी यही लिखा था ना 12/25, और LHS में भी 12/25 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हैंस इट इज प्रूफ। ओके बच्चों, समझ में आया। तो जब आप लोग को इस टाइप में क्वेश्चन दिया होगा, तो ये चीज पहले ध्यान रखिएगा, नीचे जरूर भेजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और फिर जाके ये सब करिएगा बच्चों, फिर फाइंड करिएगा, वही फाइंड करिएगा जो यहाँ पे दे रखा हो, और कुछ भी फाइंड ना करिएगा बच्चों, ठीक है, वही फाइंड करिएगा और फिर वो वैल्यू पुट करिएगा, फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, LHS और RHS दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही देखते हैं बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है।